आपका सुंदर यादव आओ इधर हो आपका नाम तो सर आप लोग क्या करते हैं गाड़ी चलाते अच्छा कौन सा गाड़ी चलाते हैं 12 चक्का अच्छा 12-13 तो आज क्या लोड करके जा रहे थे अल्युमिनियम तो यहाँ लोड किया खड़ा किया ये ट्रक यूनियन कुछ लड़के थे एक आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया क्या नहीं मेरे साथ कुछ नहीं किसी के साथ कुछ नहीं हम लोगों के साथ कुछ नहीं कोई मारपीट भी नहीं किया तो आप ये आपको मालूम है कि यहाँ पर यूनियन भी है फिर भी आप बिना यूनियन के बिना गाड़ी निकालते हैं मालूम होता तो हम आते ही नहीं अब कान में पकड़ रहा हूँ आज के बाद से आऊँगा नहीं गाड़ी चलाना हो या ना चलाना हो दोबारा नहीं आएंगे दोबारा नहीं आएगा हीरा कुंड आएगा ही नहीं चलिए ठीक बोलिए आप क्या बोलते हैं सर तो ये लोग जबरदस्ती चला रहा है मालूम कौन चला रहा है आपको जबरदस्ती कंपनी वाला क्या बोलता है आपको जबरदस्ती चला कि मैं साथ में चलूँगा तू पीछे चलना अच्छा मैं साथ में चलूँगा पीछे चलना तो आपको कुछ भाड़ा भी ज़्यादा मिलता है क्या कुछ पैसे से ज़्यादा मिलते हैं क्या नहीं हम लोगों को तो 1 रुपये नहीं मिलता है अच्छा चलिए अब हम लोग का फिक्स है अब हाँ जो भी लोड तो लोड दे देते हैं हम लोग मना कर देते हैं लोड नहीं करेंगे लोड तो देते हैं लोड लेके जाते तो आपके मना करने से कैसा गाड़ी में लोड कोई कर देगा आप हाँ बोलने से कोई गाड़ी में लोड करेगा ना तो आपका बिना मर्जी का थोड़ी आप कितना ट्रिप मार चुके अभी तक दो ट्रिप मार ये सेकेंड ट्रिप तो आपके साथ हमारे ये ट्रक यूनियन कुछ लड़के हैं कुछ कोई मिसबिहेव किया क्या कुछ नहीं किया ना चले ये स्कॉर्पियो आगे पीछे कराता है बुलाओ ना ड्राइवर से पीछे नहीं लोग पार कराता है अच्छा आपको यहाँ से कौन पास पार कराता है कौन सा स्कॉर्पियो वाले कहाँ तक पार कराते हैं वो जाते हैं वहाँ तक आगे बिरला तक जाते हैं वही आपको आगे पेट्रोल बिरला तक अच्छा पेट्रोलिंग करके ले जाते हैं हाँ ये क्या कहते कुछ होगा तो हम समझेंगे हाँ चलिए ठीक है पूरा गेट तक जाता है हाँ चलिए ठीक अभी आइए चले हम लोग स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में जो पायलट करके जाते थे उनसे मिलेंगे वे क्या करते हैं ये गाड़ी का नंबर है OD15K5698 OD15K5698 आइए मिलते हैं स्कॉर्पियो में जो कुछ हैं कौन बोलेंगे अब बोलो आपका नाम बोलो बोलो हैं बोलो कौन कहाँ रहते हैं आप सिक्योरिटी बैरिक हैं 5 लाख सिक्योरिटी बैरिक तो आप ये पायलटिंग करके क्या लेके जा रहे थे हमको पता नहीं हमको गाड़ी के साथ जाने के लिए बोलते हैं गाड़ी के साथ हमको जाने के लिए बोलते तो हम लोग जाते हैं अच्छा गाड़ी के साथ आपको ट्रक के साथ हाँ। तो रोज़ कितने गाड़ी आप लेके जाते हैं यहाँ से रोज 5-6 गाड़ी जाता है डेली 5-6 गाड़ी जाता है हाँ। और ज़्यादा भी जाता है क्या नहीं हमारे ड्यूटी तो जब पड़ता तो 5-6 गाड़ी तो आप लोग कितने आदमी जाते हैं स्कॉर्पियो में 5 आदमी तो है एक स्कॉर्पियो में 7 आदमी जाते हैं आप लोग नहीं सर 5 आदमी है 3-2-5 हाँ ड्राइवर के साथ 6 आदमी छः आदमी आप लोग चलते हैं हम स्कॉर्पियो में बोलिए सर आपका आपका नाम बताएंगे तो सर आज स्कॉर्पियो में आप कहाँ तक लेके जाते हैं गाड़ियाँ लपंगा तक ले जाते हैं गाड़ी को लपंगा तक पार करते हैं आप सर चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद उतर रहे हैं चलो बहुत है दो अरे उतर रहे हैं उतर गए उनको दीजिए ना आइए मिलते हैं एक और है जो उनसे वे क्या कहते हैं ये भी स्कॉर्पियो के साथ है अरे इधर आइए हाँ बोले सर आपका नाम पीताम्बर प्रधान आइए तो आप जो स्कॉर्पियो में चलते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से ये गाड़ियाँ कहाँ तक लेके जाते हैं सर इंडारको से लेकर हम लोग लपंगा तक जाते हैं जी सर अच्छा सर एक चीज़ आपको देखने मिला आप सिक्योरिटी में भी है कंपनी का तो बात जरूर मानेंगे जो कंपनी बोले काम मानेंगे गरीबाद में सर काम कर रहे हैं जो 10,000 का नौकरी करते हैं सर जी सर उस हिसाब से जाते हैं जो बहता वहाँ जाते हैं सर राइट सर तो सर अभी हम देखने में गाड़ियाँ का कुछ यहाँ के ट्रक यूनियन और कंपनी में कुछ झमेला चला है यूनियन कहते हैं हमारी गाड़ी लगाई जाए इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए सर इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था देखिए हमको हमारा ड्यूटी जब पड़ता है हमको उस हिसाब से भेजा जाता है जी सर एक आदमी को नहीं हम हर आदमी को जाते हैं हम बोल के नहीं जाते हर कोई किसी का बहता ड्यूटी जिसका पड़ता है उसको भेजा जाता है डेली कितना आपका गाड़ियाँ निकलती है यहाँ से गाड़ी सर एक दिन में 5-6 गाड़ी निकलता है 5-6 गाड़ी रोज निकल इसमें क्या लोड होता है सर इसमें अल्युमिनियम जाता है सर थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी देखिए हमने सिक्योरिटी से एक और एक बात पूछेंगे सर सर आपके साथ ये ट्रक यूनियन के कुछ मिसबिहेव या मारपीट कुछ सर मारपीट हमने सामने देखे सर आपको मारे हैं ठीक सर तुरंत चार्ज किया हमको बोले नहीं जी सर तो गरीब आदमी सर डिप्टी यहाँ करते हुए कर हाँ तो सही बात है चलिए धन्यवाद अभी हम लोग यहीं पर हीराकुंड के पास ही हैं जो करीब रोज के 6-7 गाड़ी जाती हैं बिना यूनियन की परमिशन से थैंक यू
लोग आए, लोग 15-20 दिन से।